Students, today we are going to start the remaining part of first chapter. The topic is demographic condition. Demographic condition. Various details about the population of British India were first collected through a census in 1881. Through suffering from certain limitation, it revealed the unevenness इन इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ. बच्चों, जिस समय ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में थे उस समय हमारी जो डेमोग्राफिक कंडीशन थी, सबसे फर्स्ट 1881 में पॉपुलेशन सेंसस की गई थी. इट वॉज फर्स्ट कंडक्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल इन 1881. सिंस देन इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर एवरी 10 ईयर. उसके बाद से ये हर 10 साल बाद कैलकुलेट की जाने लगी. इन द हिस्ट्री ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन 1921 इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड. 1921 से पहले मतलब अनइवन तरीके से कैलकुलेशन की जाती थी, लेकिन 1921 से कंटिन्यूसली एवरी 10 ईयर बाद ये कैलकुलेशन की जाने लगी. फिर उसके बाद आपके इसमें डेटा दिए हुए हैं, ये डेटाज आपको मतलब खुद से पढ़ लेने हैं, क्योंकि मैं भी इसकी रीडिंग ही लगाऊंगी कि आप क्या क्या मतलब कितने कितने परसेंट उस समय डिक्लाइन हुई थी रेट, कौन से ईयर में कितनी डेथ रेट थी, बर्थ रेट थी और इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट थी. इन चीज़ों के बारे में आप इसमें पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. देन नेक्स्ट हमारा स्ट्रक्चर है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. देखो बच्चों, ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, और व्यवसाय व्यावसायिक संरचना जो थी उसका क्या मतलब होता है इसको हमें डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है. तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन अक्रॉस, यानी जितनी भी काम करने वाली जनता है वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में इकोनॉमी में कैसे वर्क करती है या उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं. फिर आपके ये जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है इसमें भी आपके डेटा दिए हुए हैं कि कितने परसेंट जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में थे, कितने सेकेंडरी में थे, कितने टर्शरी में थे और इंडिया के कौन कौन से एरिया में थे, लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल, इन सब के बारे में दे रखा है. वर्क फोर्स और लेबर फोर्स आपने पहले भी पढ़ रखा है, तो इन सब चीज़ों का, राजस्थान का, उड़ीसा का, इनका डिस्क्रिप्शन इसके अंदर दिया हुआ है. ये आप इसमें से देख देख के पॉइंट वाइज नोट्स बनाएंगे. फिर हमारा नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर. इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द कॉलोनियल रेजिम, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवे, पोर्ट्स, वाटर ट्रांसपोर्ट, पोस्ट्स एंड टेलीग्राफ डिड डेवलप. उस समय तक जिस समय अंग्रेज हमारे देश में थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जो बेसिक कंडीशन होती है. ये 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है आधारभूत संरचना, और उसमें हमारे कम्युनिकेशन, रेलवे, रोडवेज, एजुकेशन, ये सब चीज़ें आती हैं. तो उस समय तक हमारा ट्रांसपोर्ट, रेलवे, टेलीग्राफ, ये सब काफ़ी डेवलप हो गया था. और इसके पीछे रियल मोटिव क्या था ये आप अंडरलाइन कर लेंगे बुक में भी. द रियल मोटिव बिहाइंड दिस डेवलपमेंट वॉज नॉट टू प्रोवाइड बेसिक अम्यूनिटीज टू द पीपल बट द सब सर्वाइव वेरियस कॉलोनियल इंटरेस्ट. यानी इन्होंने इंडिया को डेवलप करने के लिए ये नहीं बनाया था, बल्कि इनका खुद का इंटरेस्ट था कि ये खुद डेवलप हो सकें या इनका खुद का की कंडीशन अच्छी हो सके, उसके लिए इन्होंने रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, इन सब को डेवलप किया था. तो बच्चों, इस तरीके से हमने ये देखा कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो भी इन्होंने हमारा
डेवलप किया तो उसके पीछे इनका मोटिव ये नहीं था कि ये हमें बहुत अच्छी से डेवलप कर सके। अब अगर हम कंक्लूजन देखें इस चैप्टर का, तो बाय द टाइम इंडिया वॉन इट्स डिपेंडेंस इट इम्पैक्ट ऑन द 2 सेंचुरी लॉन्ग ब्रिटिश कॉलोनियल रूल वॉज ऑलरेडी शोइंग ऑन ऑल आस्पेक्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। द एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज ऑलरेडी सीडेड विद सरप्लस लेबर एंड एक्सट्रीमली लो प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज कैरिंग फॉर मॉडर्नाइजेशन डाइवर्सिफिकेशन कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंक्रीज्ड पब्लिक इन्वेस्टमेंट। फॉरेन ट्रेड वॉज ओरिएंटेड टू फीड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग द फेम्ड रेलवे नेटवर्क नीडेड अपग्रेडेशन एक्सपेंशन एंड पब्लिक ओरिएंटेशन। प्रिवेलेंस ऑफ रैम्पेंट पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड वेलफेयर ओरिएंटेशन ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी। बच्चों इस तरीके से हम देखते हैं कि जिस समय ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे उस समय या ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा सोशल इकोनॉमिक ये सब चीज़ें सब कुछ पूरी तरह से चेंज हो गई थी। और अगर हम इन ब्रीफ कहें तो उस समय हमारी कंट्री में सोशल और इकोनॉमिक जिसे हम चुनौतियाँ कहते हैं चैलेंजेस हमारे सामने बहुत ज़्यादा थे। द कंट्री वर इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा उस समय हमारे सामने ये सब चीज़ें उस समय पे थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर इसका कंक्लूजन हम देखें तो 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर बहुत अधिक एक्सप्लॉयटेशन किया और ये एक्सप्लॉयटेशन हमें हर फील्ड में देखने को मिला, चाहे वो फॉरेन ट्रेड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेमोग्राफी हो, हर चीज़ में हमने पूरा इसको सही से पढ़ा है और हमने देख लिया। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आज का आपका होमवर्क है, इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करके कल आप मुझे सेंड करेंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप मुझसे मेरे पर्सनल नंबर